आपने मूवी वॉच की है। या वेल ब्रह्मास्त्र कैसी लग रही है? बहुत अच्छी थी। वेल कैसा लगा रणबीर एंड आलिया? रणबीर आलिया बॉन्ड लाइक केमिस्ट्री लाइक बहुत अच्छी लग रही थी एंड फर्स्ट टाइम आए दोनों तो अच्छा था। या सो मूवी बहुत बहुत ही अच्छी थी और उसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट पार्ट तो बहुत अच्छा था, सेकंड पार्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली देव और अमृता की स्टोरी के लिए। शुरू से आखिर तक मुझे ये मूवी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी लगी मुझे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले। एंड ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना बहुत टाइम से हम देख रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, तो मुझे लगता है सबके लिए मतलब वो मुँह पर ताला लगा देगी ये मूवी। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, पूरा विजुअल ट्रीट था, पैसा वसूल था। द मूवी वाज टू गुड एंड वी लाइक टू रेट इट 5/5। मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, डिफरेंट कैरेक्टर हैं सभी के, मतलब सुपर हिट है मूवी। बिल्कुल पसंद है। हमें तो नहीं पसंद आई, हम बहुत वेट कर रहे थे, मैं खासकर बहुत वेट कर रहा था फिल्म का, लेकिन फिल्म नहीं पसंद आ पाई। रणबीर और आलिया जिस तरीके से प्रोमो आया था तो सभी एक्साइटेड लग रहे थे। अरे मैं भी बहुत एक्साइटेड था, वही था, एक्साइटमेंट तो है, एक्साइटमेंट में ही आ गए, लेकिन एक्साइटमेंट में पिक्चर बना दिया मुझे लगता है, दिमाग कम। उनका केमिस्ट्री तो है, वो तो रहेगा, वो है स्क्रीन पे अच्छा है, लेकिन वही है उसमें लोग इन्जॉय करेंगे थोड़ा वो। ब्रह्मास्त्र मूवी मुझे अच्छी लगी है, विजुअली तो बहुत ज़्यादा रिच थी, स्टोरी वाइज थोड़ी वीक थी, पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं अच्छा ही कहूँगा, एक गुड वॉच है बहुत टाइम बाद कोई हिंदी फिल्म की। मूवी वॉज गुड, स्टोरी ठीक थी, बट VFX, एडिटिंग, पिक्चराइजेशन, जो सीन्स लिए वो बहुत परफेक्ट थे, और एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जब ट्रेलर देख के जो एक वाव फैक्टर था, मतलब पूरे मूवी आई वाज लाइक ग्लूड टू द स्क्रीन, इट वाज सो ब्यूटीफुल, द स्टोरी, VFX और जस्टिफाइड VFX है। यू नो आप देखते हैं कि कितने सारे फिल्मों में बस लगा देते हैं VFX, ज़रूरत नहीं होता, पर ये बहुत ही वेल डायरेक्टेड, वेल मतलब आर्टिकुलेटेड VFX के साथ किया गया। ब्रह्मास्त्र मुझे अच्छी लगी अभी तक की बॉलीवुड की, अगर अगर साईफाई लव स्टोरी की अगर बात करें तो ब्रह्मास्त्र एक नंबर जा रही है अभी तो, मतलब अच्छा लगा, स्टार्ट बहुत अच्छा है, मतलब केमियो है किसी का वो भी बहुत अच्छा है, अगर जिसने स्टार्ट मिस किया मुझे तो लगता है फिर वो थोड़ा रिग्रेट कर सकता है, स्टार्ट नहीं मिस करना है। ब्रह्मास्त्र स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है और गाने बहुत अच्छे हैं, मूवी को जितना रिक्वायर्ड उतना ही लेंदी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा खींचा नहीं है, किसी कोई भी सीन ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया है या ऐसा कुछ भी। क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, मतलब जो जितने भी सीन दिखाए हैं, जैसे आपने मुनी के भी सीन देखे, मुनी ने भी बहुत अच्छा काम किया, आलिया रणबीर की केमिस्ट्री आपको पता ही है बहुत अच्छी है और उन्हें भी अच्छा काम किया है। बहुत ही पसंद आया, जैसी मूवी होनी चाहिए थी, लाइक कि इंटरटेनिंग मूवीज जैसी होती हैं, पेसी एंड ऑल, और वो फील देने वाली, किसी की एंट्री हुई तो सीटी बजने वाली, तो वो फील तो थी। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन एंड द विजन इज़ वेरी पावरफुल। दी अयान मुखर्जी इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, नो डाउट, उनका जो डायरेक्शन वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग था, ऑल्सो सब ने बहुत ही अच्छे तरह से किरदार निभाया है। द एंट्री ऑफ अमिताभ बच्चन इज़ वेरी ग्रेट, ऑल्सो दी आफ्टर मेनी ईयर्स लव टू सी द डिम्पल कापड़े, हर लिटिल प्रेजेंस। मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे, मतलब हमारे सनातन धर्म के ऊपर इतनी प्रभावशाली मूवी, हमारा सनातन धर्म इतना स्ट्रांग है, इतना प्योर है, इतना वर्चुअस है, उसको उस तरह से पोर्ट्रे किया गया है इन द राइट वे। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मूवी का विजुअल इफेक्ट्स, VFX जो है इतने बढ़िया हैं, और अयान मुखर्जी का जो 10 साल उन्होंने इन्वेस्ट किया वो दिखता है मूवी में, तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और फर्स्ट हाफ में बिल्टअप होता है तो थोड़ी आपको स्लो पेस्ट लगेगी, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते इट गोज़ टू अनदर लेवल।